कामयाब आए हुए हैं आज मंच पे, देखे सीबीआई थे जी, क्या लग रहा है आपको? घोसी भी जिताना है और घोसी भी जीता जाएगा। इंडिया गठबंधन की लहर है, आने वाले समय में केंद्र की सरकार का बदलना निश्चित है और इसी क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज कार्यक्रम यहाँ भी था, गाजीपुर हो चुका था, तो हम लोग भी अपील कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज, घोसी लोकसभा से अंसारी परिवार का गहरा नाता रहा है, लेकिन आज आप पहले दिन चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं। पहले दिन नहीं, आखिरी दिन कमजोर हो गया क्या? पहले दिन नहीं, आखिरी दिन, आखिरी और पहला अंसारी। और हमारा चुनाव खुद गाजीपुर में था, जिसमें लड़ तो माननीय एलजी साहब नहीं रहे हैं, लेकिन उनके राइट हैंड और यस मैन लड़ रहे हैं बड़े भाई। और हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगा रहता था सोशल मीडिया पे। बड़े भाई सुभाषपा से विधायक हैं और आप सपा का प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ विरोधाभास नहीं दिखता है? एक ही परिवार में दो मेरे ताऊ जी बसपा में रहे हैं, अफजाल अंसारी साहब मेरे फादर कौमी एकता दल में रहे हैं, वर्तमान समय में दो लोग, और मेरे बड़े अब्बा सपा में भी रहे हैं। एक बार ऐसा भी हुआ है कि तीन भाई तीन पार्टियों में रहे हैं एक साथ। एक साथ कैसे हो सकते हैं, तीन भाई तीन अलग अलग पार्टियों में। ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि वो हमारे विधायक नहीं है बल्कि वो सपा के विधायक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि हमारे विधायक नहीं है अब्बास जी, वो सपा के विधायक। ये तो आप लोगों की बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी दिनकर भाई कह रहे हैं कि वो सुभाषपा के विधायक है, आप कह रहे हैं वो सभा के विधायक है। पहले आप लोग तय कर लो कि वो सुभाषपा के विधायक हैं कि सभा के विधायक। आप राजभर जी के बारे में क्या कह रहे हैं? है? आप राजभर, वो तो मुख्तार अंसारी का दोस्त बताते हैं खुद को। नहीं, वो दोस्त थे हैं और मेरे ख्याल से वो रिश्ता वो निभाएंगे हम लोगों से, और मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, मैं उनके बारे में। आप लोग रिश्ता निभाएंगे कि नहीं? आप भी रिश्ता निभा रहे हैं? विधायक बनाएंगे, आपके भाई को विधायक बनाएं, वो सांसद, उनके बेटे प्रकाश आदर के बेटे को सांसद आप लोग बनाएंगे कि नहीं? हम यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय जी के हक में वोट मांगने आए थे, और कल भी आते, माननीय धर्मेंद्र यादव जी का कल फ़ोन आया था, लेकिन कल सारे कार्यक्रम लगे हुए थे, तो धर्मेंद्र भैया से हमने क्षमा मांगी और कहा कि नहीं, हम कल आएंगे। रिश्ते निभाएंगे नहीं आप? हाँ, प्रकाश राजभर से रिश्ते निभाएंगे नहीं? यार, राजनीति में रिश्ते निभाए जाते हैं, समय समय पर सब निभाया जाता है, सब निभाया जाएगा। और जहाँ तक बात रही ओम प्रकाश चाचा की, तो वो मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मऊ के मुसलमान किधर जा रहे हैं? मऊ का बुनकर, मऊ का गरीब, मऊ का किसान, मऊ का मजदूर, एक नाम से ही लगता है मोदी जी वाली बीमारी आपको भी लग गई है। मुसलमान, मछली, मुजरा, मीट, ए धक्का नहीं दो भैया, ये सारे लोग जो हैं, ये सारा माँ करके आप लोग जो हैं, ये भाषा गलत है। सारा किसान, सारा गरीब, सारा मजदूर सब एक साथ है और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए लगा हुआ है। ये चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता, जिनकी आप इज्जत करने की बात कर रहे हैं प्रकाश राजभर जी, जिनकी आप इज्जत करने की बात कर रहे हैं प्रकाश राजभर जी, तो वो लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिमों की मजबूरी है छड़ी को वोट देना। मुस्लिमों की मजबूरी है छड़ी को वोट देना, क्या इसको कौन कहता है? ओम प्रकाश, 4 जून को पता चल जाएगा। उन्होंने एक ये भी याद दिलाया था, पिछली बार भी आपने छड़ी को वोट दिया था, ओम प्रकाश राजभर ने याद दिलाया था, जब आपके प्रत्याशी कौन थे? अब्बास अंसारी। तो बस बात खत्म, इशारा क्या था अब्बास अंसारी की, ओम प्रकाश राजभर? अब ये तो वो बताएंगे, मैं कैसे बताऊँ? योगी जी ने एक सभा किया मऊ में और उन्होंने कहा गाजीपुर में भी मिल गए हैं, माफिया मिट्टी में मिल गए, बगैर डरे मतदान कीजिए। हमारा तो ईमान है यार कि जो पैदा होगा वो मरेगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जिसका ईमान ये नहीं है, जो समझता है कि हम अमर हैं, तो वो सर्टिफिकेट लेके ऊपर से आए होंगे। हम लोग तो मरेंगे और सब मरेंगे, आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे और दफन होंगे। अब मानो चाहे मत मानो, और कोई फिक्स नहीं है कब मर जाए, बोलते बोलते मर जाए, शाम में मर जाए, कल मर जाए। गठबंधन और विपक्ष को कहा है कि माफियाओं का क्षेत्र बना दिया था और अब जो है माफिया के लिए आंसू बहाने वालों को जो है पूर्वांचल में कदम नहीं रखना। 4 जून को पता चल जाएगा, पूर्वांचल में सफाई होने जा रहा है, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, घोसी और बहुत सी सीटों पे आप ऐसा रिजल्ट देखेंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जबान में हड्डी होती नहीं, कोई कुछ कहे। हमारे इतिहास से, हमारे परिवार के गौरवशाली इतिहास से, 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिखाओ कोई पूर्वांचल में आप परिवार, ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से जिन्हें चिढ़ है, जो नफरत करते हैं, जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं है,
एक छोटी उंगली का नाखून तोड़ाने का भी 7 पीढ़ी में इतिहास नहीं है, वो हमको माफिया और गुंडा बताते हैं। तो उनके कहे हुए पर और गोदी मीडिया के चलाने पर हम क्या जवाब दें। वालिद के इंतकाल के बाद मुझे लगता है कि मऊ का हर घर और हर घर से एक एक फ़र्द हमारे दरवाज़े पर पहुँच गया और आ गया। मुलाकात तो हमारी सबसे हो गई। उसके बाद हमने कहीं जाने का फैसला नहीं किया था, 40वें तक हम घर पे ही थे। और 40वें के 2 दिन बाद से हमने पर्चे दाखिले के बाद से चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया और अभी तक प्रचार कर रहे हैं।